चाहे विपत्र किसी के भी पास हो, लेखक के पास हो या फिर बेचान पात्र के पास, भुगतान तो स्वीकर्ता को करना ही है, इसलिए भुगतान की एंट्री वो अपने बुक में जैसे पहले करता था उसी प्रोसेस में करेगा। आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। 1 अप्रैल 2008 को अ ने ब पर माल की बिक्री पर भुगतान के बदले 3 माह की अवधि के लिए 800 रुपए का एक विनिमय विपत्र लिखा, जिसे ब ने स्वीकार कर लौटा दिया। 5 अप्रैल को अ ने स को विपत्र का बेचान कर दिया। देय तिथि को विपत्र का भुगतान हो गया। संबंधित पक्षों की पुस्तकों में इन व्यवहारों की प्रविष्टियां कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि अ ने ब पर माल की बिक्री पर भुगतान के बदले 3 माह की अवधि का विपत्र लिखा है। इसका मतलब ए जो है वो लेखक है यानी विक्रेता है, और बी जो है वो स्वीकर्ता है यानी कि एक्सेप्टर है, क्रेता है। तो ये मानते हुए हम जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम ए की बुक में जनरल एंट्री करेंगे, जो कि फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जब उसने बी को माल बेचा था। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट 800। सेकेंड, जब वो बिल लिखेगा तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन बाय बी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज 800। और उसके बाद जब वो इनरोज किया जाएगा उस बिल को, जब बेचान कर दिया जाएगा सी को, तो ए जो है लेखक जो है वो अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि अब जो उसने बिल लिखा था, स्वीकृति प्राप्त की थी उसने बी से, अब वो उसको सी को इनरोज कर दे रहा है। तो यहाँ पर एंट्री हमने देखी सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टिप्पणी हम यहाँ पर लिख लेंगे नरेशन बिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनरोज टू सी 800। नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे एक्सेप्टर यानी कि बी के बुक में, जबकि वो माल खरीदेगा ए से, तो वो एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ए बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट 1 अप्रैल को 800। और उसके बाद जब ये बिल पे स्वीकृति देगा तो ये सेकेंड एंट्री करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज 800। और जब इस पे ये पेमेंट करेगा तो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज 800। अब जबकि इसका भुगतान स को कर दिया गया तो स जो है वो बेचान पात्र हो जाता है, और उसकी पुस्तक में हम एंट्री करेंगे यहाँ पर 5 अप्रैल को ये किया जा रहा है। तो फर्स्ट ये एंट्री करेगा जब वो रिसीव करेगा इनरोज बिल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए बिल्स रिसीवेबल इनरोज बाय ए 800। और सेकेंड पेमेंट जब मेड होगी तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 800। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए ने बी पे जो बिल लिखा था बी ने उसे स्वीकार करके लौटाया था, लेकिन 5 अप्रैल को ए ने सी को उस विपत्र को बेचान कर दिया, यानी कि अब बी जो है वो डायरेक्ट जो पैसा है ए को ना देकर अब वो सी को पैसे का भुगतान कर देगा। 1 फरवरी 2017 को ए 12,000 रुपए मूल्य के बेचे गए माल के लिए बी पर 90 दिनों का एक बिल लिखता है। बी इस बिल को 4 फरवरी 2017 को स्वीकार करता है। ए 12,500 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए सी को बिल का बेचान कर देता है। सी बैंक से 11,850 के लिए बिल भुना लेता है। देय होने पर बी द्वारा बिल का भुगतान कर दिया गया। सभी पक्षों की बहियों में प्रविष्टि कीजिए। बहुत डिफरेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, हमने अभी तक जो प्रश्न बनाया उससे बिल्कुल अलग हटके है। यहाँ पर हमको विशेष रूप से देखना है कि पक्षकार जो है वो 2 से ज्यादा है, क्योंकि विपत्र का बेचान भी इसमें शामिल हो गया है। और दूसरी बात ये कि नेट अमाउंट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की होती थी उससे हटकर कहीं पे डिस्काउंटेड बिल है, कहीं पे ओवर बिल है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ड्रॉवर यानी कि लेखक यानी विक्रेता कौन है, और एक्सेप्टर यानी कि क्रेता स्वीकर्ता कौन है। तो यहाँ पर क्योंकि दिया गया है ए जो है वो बी पर बिल लिख रहा है, यानी कि ए जो है वो लेखक है, ड्रॉवर है, और बी जो है वो स्वीकर्ता है, एक्सेप्टर है। और एक चीज हमको ध्यान में रखना है, सी को यहाँ पर विपत्र का बेचान किया जा रहा है, बेचान ग्राही है सी, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो ए बी और सी तीनों की पुस्तकों में एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ क्योंकि अमाउंट पे थोड़ा सा हमको हेर फेर करना है तो इसलिए हमको बहुत सावधानी से अमाउंट इसकी लिखनी है।
फर्स्ट हम ड्रॉवर यानी कि लेखक की पुस्तक में एंट्री करेंगे, जबकि वो बी को माल बेचेगा फर्स्ट पॉइंट के लिए 12,000 रुपए मूल्य का। तो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी फर्स्ट फेब को, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट, 12,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड, जबकि बी इस बिल को स्वीकृत करके ए को लौटाएगा, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन बाय बी ऑन बिल, 12,000 से इसकी हम एंट्री कर लेंगे। और उसके बाद सी को अब ए जो है ये इस बिल को जो कि उसने बी से लिया था स्वीकार करके, अब वो सी को बेचान यानी सी को वो इनरोज कर दे रहा है। तो और दूसरी बात ये कि यहाँ पर डिस्काउंट भी है 12,500, हालांकि वो बिल 12,000 का था लेकिन 12,500 के ऋण के निपटारे के लिए उसका बेचान कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम ये मान लेंगे कि 500 जो है वो डिस्काउंट रिसीव है इसमें। और यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, 12,500 रुपए का माल उसने बेचा था लेकिन बिल वो स्वीकार कर ले रहा है 12,000 का, तो हमको ये मानना है कि डिस्काउंट 500 जो डिफरेंस की अमाउंट है वो डिस्काउंट है। तो यहाँ हम सी के अकाउंट पे एंट्री करेंगे 12,500 से डेबिट में बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि हमने 12,000 का ही इंड्रोस किया है तो 12,000 से ही हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि 12,500 माइनस 12,000 यानी 500 का डिफरेंस है जिसको हमने डिस्काउंट माना है, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में हम 500 से एंट्री करेंगे और नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग बिल इनरोज टू सी ऑन डिस्काउंट। तो ये हमने ड्रॉवर यानी कि लेखक की पुस्तक में एंट्री कर ली। अब हम एक्सेप्टर की बुक में एंट्री कर लेते हैं जो कि बी है। ये जब माल ए से खरीदेगा तो ये फर्स्ट एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम ए, 12,000 से एंट्री करेगा। सेकेंड, ये जो बी है ये विपत्र स्वीकार करेगा, विपत्र पर स्वीकृति देगा, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन ऑन बिल ऑफ ए, 12,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद फोर्थ मे को जब बिल का पेमेंट करना है, देखिए पेमेंट तो बी को करना ही है चाहे वो ए को करे सी को करे या जिसको भी बेचान यानी जिसके पास भी बिल है उसको पेमेंट करना है, लेकिन उसके अकाउंट से तो पैसा बिल्स पेबल पे जाना है, तो इसकी एंट्री नॉर्मल वही होती है जो कि बाकी कंडीशन में होती है, चाहे विपत्र प्राप्य स्वीकृति की नॉर्मल कंडीशन हो, भुनाने वाली कंडीशन हो या फिर एंड्रोज वाली कंडीशन हो। तो यहाँ पर इसको एंट्री करनी है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ बिल, और 12,000 का बिल था तो 12,000 से इसकी एंट्री हमको करनी है। तो ये तो हमने ड्रॉवर और एक्सेप्टर की बुक में एंट्री की। अब हमको एक नया काम यहाँ पर ये करना है कि सी यानी कि जिसको एंड्रोस किया जा रहा है जो बेचान ग्राही है उसकी पुस्तक में भी हमको एंट्री करनी है। तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि फर्स्ट एंट्री जो बेचान ग्राही क्या होती है जबकि विपत्र का बेचान किया जाता है उसकी होती है, लेकिन एक नया काम यहाँ पर ये हो गया कि डिस्काउंट पे एंड्रोजमेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी फोर्थ फेब की बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो है ये डिस्काउंट दे रहा है 12,500 के बदले ये 12,000 का बिल स्वीकार कर रहा है यानी कि 500 के डिस्काउंट ये दे रहा है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बिल्स रिसीव फ्रॉम ए, तो बिल बी आर जो है बिल्स रिसीवेबल जो है डेबिट उसकी अमाउंट तो 12,000 होगी क्योंकि 12,000 का ही बिल था हमारे पास, डिस्काउंट जो हमने कैलकुलेट किया दोनों का जो डिफरेंस है 12,000 और 12,500 का वो 500 डिस्काउंट यहाँ डेबिट में आ जाएगा और टू एज अकाउंट की टोटल 12,500 आ जाएगा। नरेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे बैंक बिल्स रिसीव फ्रॉम ए। उसके बाद जब ये जो बिल है ये रिबेट होगा डिस्काउंटेड ऑन रिबेट होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो एंट्री होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन हमको फिर से देखना है, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सी, क्योंकि फाइनली ये बिल जिसके पास रहेगा लास्ट में उसी को पेमेंट मिलना है चाहे वो पेमेंट ले चाहे बैंक से बट्टे पे भुनाए जो भी होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि सी जो है वो बैंक से 11,850 में भुना लेता है। बोलने का मतलब ये है कि बिल 12,000 का था, बैंक से वो भुनाया कितने पे 11,850, तो हमको ऑटोमेटिक ये समझ लेना है कि 150 जो है वो कहाँ गया डिस्काउंट में चले गया, तो यहाँ पर हमको ये मानना है कि डिस्काउंट पे उसने बैंक से बट्टे पे भुना लिया,
तो यहाँ हमारी नॉर्मल हमने जो वीडियो में देखा था बुनाने की जो एंट्री होती है वही एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक बिल डिस्काउंटेड ऑन रिबिट, तो 11,850 उसको रिसीव हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट में वो लिखेगा 11,850। डिस्काउंट उसको देना पड़ रहा है 150 का और टोटल जो अमाउंट थी 12,000 वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगी। एक अप्रैल 2006 को अ ने ब को 2,000 रुपए का माल बेचा। उसी दिन ब ने 1,000 नगद एवं शेष राशि के लिए 3 माह का एक विपत्र स्वीकार कर लिया। अ ने इस विपत्र को ऋण के भुगतान में स को दे दिया। अ ने स से प्राप्त इस विपत्र को 4 अप्रैल को द को बेचान कर दिया। द ने इस विपत्र को 4 जून को 6% प्रतिवर्ष की दर से बट्टे पर पूर्व प्राप्त किया। देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। संबंधित पक्षों की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। इस प्रश्न में क्योंकि बेचान संबंधी भी बिंदु कुछ दिए गए हैं लेकिन उसके पूर्व के जो जनरल एंट्रीज हैं जो माल को बेचने विपत्र लिखने और स्वीकृति देने से संबंधित है वो पूर्ववत ही होंगे, जैसे हम अभी तक एंट्री कर रहे थे वैसे ही होंगी। इसमें बेचान की एक प्रविष्टि जुड़ जाएगी एक बात, और दूसरी बात ये कि अभी तक हम दो पक्षकारों पर एंट्री कर रहे थे लेखक और स्वीकर्ता यानी कि ड्रॉवर और एक्सेप्टर की बुक में, लेकिन अब हमको इसके साथ जो बेचान ग्राही है उसकी बुक में भी यहाँ पर हमको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे लेखक की पुस्तक में। बहुत सावधानी से हमको ये देख लेना है कि किसने किसको माल बेचा है, कौन लेखक है, कौन स्वीकर्ता है, कौन बेचानग्राही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अ ने ब को माल बेचा, यानी कि अ जो है वो विक्रेता है। विक्रेता जो होता है वही लेखक होता है यानी ड्रॉवर होता है। तो सबसे पहले हम अ की बुक में एंट्री करेंगे और ब जो है वो स्वीकर्ता है यानी कि क्रेता है। जो क्रेता होता है वही विपत्र पर स्वीकृति देता है यानी कि वो स्वीकर्ता है। तो फिर हम स्वीकर्ता के बुक में उसके बाद एंट्री करेंगे और फिर हम बेचान ग्राही यानी कि द जिसको कि विपत्र का बेचान किया गया है उसकी पुस्तक में हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है आ की पुस्तकों में हम प्रविष्टि कर रहे हैं ड्रॉवर यानी कि लेखक के पुस्तक में, तो क्योंकि उसने सबसे पहले तो ब को माल बेचा है तो माल बेचने की प्रविष्टि हम सबसे पहले कर लेंगे, जिसमें फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड सेल टू बी और 2000 से इसकी एंट्री कर लेंगे। सेकेंड यहाँ पर जो विपत्र है उसमें एक विशेष बात ये दी गई है कि एक तो उसमें 1,000 रुपए का भुगतान अभी प्राप्त कर लिया गया है और बाकी जो 1,000 बचता है क्योंकि टोटल 2,000 रुपए का माल बेचा गया था तो 1,000 रुपए पर भुगतान कर दिया गया और 1,000 रुपए का जो 3 माह की अवधि का एक विपत्र स्वीकार किया गया। तो हम चाहे तो इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं और चाहे तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग एंट्री करेंगे तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट कैश रिसीव फ्रॉम बी 1000 से, और उसके बाद हम थर्ड एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल की विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होने की। तो थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और अब क्योंकि इस विपत्र पर भुगतान जो है वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसे कि हमने वीडियो में देखा कि जब ये जो विपत्र जो कि आ के पास था स्वीकृत होके ब से मिला था, अब इसी विपत्र को ये वापस जो है वो स को बेचान कर दे रहा है, स के नाम से वो इनरोज कर दे रहा है। तो अब जो थर्ड एंट्री होगी बेचान की एंट्री होगी और वो हो जाएगी सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और 1000 से इसकी एंट्री करेंगे। बी जो कि स्वीकर्ता है उसकी पुस्तक में हम एंट्री कर लेंगे एक्सेप्टर की बुक में। तो क्योंकि सबसे पहले तो वो माल खरीदेगा, उधार माल खरीदेगा तब जाके वो स्वीकर्ता बन पाएगा, विपत्र लिख पाएगा। तो इसकी पुस्तक में फर्स्ट एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू ए और 2000 से इसकी एंट्री करेंगे। और फिर वही बात की 50% यानी 1000 इसने ए को कैश दे दिया और बाकी 1000 के लिए बिल लिखेगा। तो फर्स्ट एंट्री जो कैश पेमेंट की होगी 50% कैश पेमेंट की, वो एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू कैश और यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग कैश पेड। और उसके बाद थर्ड एंट्री जो होगी वो बिल स्वीकृति की एंट्री होगी, तो वो हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और 1000 से इसकी एंट्री हो जाएगी।
अब हम देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि परिपक्वता तिथि पर स्वीकृति जिस बिल की मिली थी उस पर भुगतान भी प्राप्त कर लिया गया है, तो अब यहाँ पर भुगतान की एंट्री हो जाएगी स्वीकर्ता के पुस्तक में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो नॉर्मल क्योंकि उसने तो भुगतान किया है तो वो नॉर्मल बिल पे पेमेंट की जो एंट्री होगी वो करेगा। अब किसको मिल रही है, किसके अकाउंट में जा रही है, वो जब हम बेचान ग्राहियों के पुस्तक में एंट्री करेंगे तो वहां पर हम सोचेंगे कि किसके बुक से हमको एंट्री यहाँ पे करनी है। तो 4 जुलाई की हमारी जो एंट्री होगी वो हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 1000 के से क्योंकि 50% का ही सिर्फ हमको यहाँ पर एंट्री करनी है तो 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। ये हमने एक्सेप्टर और ड्रॉवर दोनों की बुक में हमने एंट्री कर ली, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये जो बिल उसको बी से यानी कि ए को बी से स्वीकृत होकर प्राप्त हुआ था, अब उस बिल को क्योंकि उसने स को बेचान कर दिया तो अब स जो बेचान ग्राही है उसकी पुस्तक में फर्स्ट जो एंट्री होगी जबकि उसको बेचान किया हुआ विपत्र प्राप्त होता है तो ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 1000। उसके बाद इसने इस विपत्र को द को बेचान कर दिया, डी को इसने फिर से बेचान कर दिया, तो क्योंकि अब ये जो बेचान करता है यहाँ पर है वो डी हो जाएगा तो यहाँ पर हम फिर से एंट्री करेंगे डी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और 1000 से इसकी एंट्री करेंगे। अब ओवरऑल कुल मिलाकर ये जो अमाउंट मिलनी है वो फाइनली जाके डी को प्राप्त होगी क्योंकि अंत में ये जो विपत्र है वो डी के पास पहुंच गया है तो डी को ये अमाउंट प्राप्त होगी। लेकिन सबसे पहले जबकि बेचान इसको किया गया विपत्र का, तो हमने जैसे वीडियो में देखा कि जब बेचान जब किया जाता है तो फर्स्ट एंट्री होती है, तो यहाँ पर एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी, क्योंकि सी ने विपत्र का बेचान डी को किया है तो ये अपनी डी अपने अकाउंट में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट और 1000 से। और जो विपत्र पर जो जो कि बट्टे पर भुनाया गया है 1 माह पूर्व 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से, 6% प्रतिवर्ष बट्टे की दर से, तो फाइनली ये जो एंट्री होगी ये डी की पुस्तक में होगी क्योंकि घूम फिर कर लास्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो बिल है ये लास्ट में डी के पास पहुंच गया था तो डी के अकाउंट में इसके भुनाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 1 month का इस पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे 1000 × 6 × 1/12 × 100 क्योंकि 1 माह पूर्व ही ये भुगतान ये भुना लिया गया है विपत्र तो यहाँ पर हमारे डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी 5 rupees। हम जनरल एंट्री करेंगे यहाँ 4 जून को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और क्योंकि 1000 में हमको 995 रिसीव हो रहा है तो बैंक में हम लिखेंगे 995, डिस्काउंट में हम लिखेंगे 5 और बिल्स रिसीवेबल की क्रेडिट में हम लिखेंगे 1000। एक्स 15 अगस्त 2007 को 2500 रुपए का माल वाई को बेचता है और उसी दिन उस धन के लिए 2 माह की अवधि का एक बिल लिखता है। वाई इसे स्वीकार करके एक्स को लौटा देता है। 10 दिन बाद एक्स इसे अपने लेनदार जेड के नाम बेचान कर देता है। देय तिथि पर बिल का भुगतान हो जाता है। एक्स वाई और जेड के जनरल पुस्तक में लेन देन की आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ पर हमको 3 पक्षकार मिल रहे हैं। पहले तो हमको ये देख लेना है कि लेखक और स्वीकर्ता कौन है। अब क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक्स ने वाई को माल बेचा है यानी कि एक्स जो है वो विक्रेता है, लेखक है यानी ड्रॉवर है, और वाई जो है वो स्वीकर्ता है यानी एक्सेप्टर है, और ये जो बेचान कर रहे हैं लास्ट में हम देखेंगे तो जेड को इन्होंने बेचान किया है तो जेड जो है वो बेचान ग्राही है। तीनों की पुस्तकों में हमको प्रविष्टियां करनी है तो सबसे पहले हम लेखक की पुस्तक में एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे वाई को माल बेचने की, तो वाई को जब माल बेचेंगे तो यहाँ एक्स की पुस्तक में हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू सेल्स और 2500 से हम ये एंट्री करेंगे। उसके बाद बिल लिखकर स्वीकृत होकर प्राप्त होने की जो एंट्री होती है नॉर्मल अभी तक हम क्वेश्चन में जो एंट्री करते आए हैं वही एंट्री होगी। यहाँ पर हमको हर स्टेप में विशेष ध्यान रखना है। पहले हमने सिंपल क्वेश्चन किया जब विपत्र पे लेखन स्वीकृति और भुगतान था, उसके बाद बट्टे पे भुनाने से संबंधित प्रश्न किए और अब हम बेचान से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। तो पिछली जो एंट्रीज रहती है वो एज इट इज रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल यहाँ पर हमको बेचान संबंधी एक और नई एंट्री इसमें इंक्लूड कर देनी है।
तो पहले जो एंट्री माल बेचने की होती थी या खरीदने की वो सेम होगी, विपत्र लिखने की या स्वीकृति देने की, स्वीकार करने की जो होती थी वो सेम एंट्री होगी। भुनाने की एंट्री में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि बेचान कहाँ पर किया गया है, किसको किया है, ये नया पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ हमारी सेकेंड एंट्री जो होगी विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होने की, वो वही नॉर्मल एंट्रीज होगी जो कि अभी तक हम करते आए हैं। तो क्योंकि हम एक्स ड्रॉवर यानी के लेखक की पुस्तक में प्रविष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 2500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो एक पॉइंट हमने क्वेश्चन में देखा कि 10 दिन बाद एक्स ने इसे अपने लेनदार जेड के नाम से बेचान कर दिया। तो अब ये बिल अगर एक्स के पास होता तो वो इस बिल पे पैसे प्राप्त करता वाई से, लेकिन क्योंकि जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि वो जेड से कभी माल खरीदा रहा होगा, तो पैसा ना देकर वाई का लिखा हुआ जो विपत्र था वो उसको जेड के नाम से एनरोल कर देता है, बेचान कर देता है। तो बेचान कर देता है यानी कि एक्स जो है वो बेचान करता कहलाएगा, और जिसको बेचान किया जा रहा है यानी कि जेड को वो बेचान कर रहा है, तो जेड जो है वो बेचान ग्राही कहलाएगा। तो हमने वहां पर दो एंट्रीज देखी थी। तो फर्स्ट एंट्री जो कि बेचान कर्ता की पुस्तकों में होती है यानी कि एक्स की पुस्तक में एंट्री होगी बेचान ग्राही डेबिट प्राप्ति पत्र खाता से, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और 2500 से इसकी एंट्री हम करेंगे। नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड्रोस टू जेड और 2500 से इसकी एंट्री हम यहाँ पर करके क्लोज कर देंगे। अब सेकेंड पार्टी हम देख रहे हैं कि एक्सेप्टर कौन है। तो यहाँ हमने देखा कि वाई जो है वो एक्सेप्टर है, उसने गुड्स परचेज किया है किससे, एक्स से। तो सबसे पहले ये एंट्री करेगा अपनी बुक में गुड्स परचेज करने की, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। और सेकेंड वही एंट्री होगी जो होती थी यानी कि जब वो बिल पर अपनी स्वीकृति देगा, एक्स के लिखे हुए बिल पर वाई जो कि स्वीकर्ता है, एक्सेप्टर है, वो अपनी स्वीकृति देगा। नॉर्मल वही एंट्री करेंगे जो हम पहले अभी तक कर रहे थे। तो यहाँ इसकी एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और 2500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट की जो एंट्री है वो एक्स को नॉर्मल एंट्री करनी है जो अभी तक हम कर रहे थे, यानी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट तो जो स्वीकर्ता है, क्रेता है, उसको करना है, चाहे वो एक्स को करता जो कि ड्रॉवर था, या अब उसने बेचान कर दिया इस विपत्र को जेड को, तो अब वो जेड को करेगा। तो अपने पास जो अपने अकाउंट में जो एंट्री करेगा वो तो नॉर्मल पेमेंट की एंट्री ही करेगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये जो दो पक्षकार थे एक्स और वाई, ड्रॉवर एंड एक्सेप्टर, उनकी बुक में तो एंट्री हो गई। अब नया जो इस प्रश्न में आ गया है तीसरा, वो हो गया है जेड जिसको कि इनरोज किया जा रहा है, बेचान किया जा रहा है। तो जैसे कि हमने देखा जब हम बेचान संबंधी वीडियोस देखा हमने वहां पर कि किस तरह से जब बेचान किया जाता है तो जो बेचान ग्राही होता है उसकी पुस्तक में फर्स्ट जो एंट्री बेचान प्राप्त करने की होती है वो होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी जो बेचान करता होता है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं प्राप्त विपत्र खाता डेबिट बेचान करता से। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, और सेकेंड जबकि वो उसको कैश, क्योंकि अब बिल तो जेड के पास है, फाइनली घूम फिर का बिल जिसके पास आ जाता है वही उसकी अमाउंट को वो रिसीव करता है, वही उस पे भुगतान को वो प्राप्त करता है। तो ये जो एक्स का लिखा हुआ और वाई का स्वीकृत किया गया बिल था ये लास्ट में घूम फिर कर आ गया है जेड के पास, और जेड ही अब इस पे भुगतान प्राप्त करेगा, और इस कंडीशन में ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और 2500 का ये बिल था तो 2500 से यहाँ पर हम ये एंट्री करेंगे। 1 फरवरी 2007 को ए 800 रुपए मूल्य के बेचे गए माल के लिए बी पर 90 दिन का एक बिल लिखता है। बिल को 4 फरवरी 2007 को स्वीकार करता है एवं ए 850 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए सी को बिल का बेचान कर देता है। सी बैंक से 775 रुपए के लिए बिल भुना लेता है। दे होने पर बी द्वारा बिल का भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं ए और बी।
ए जो है वो विपत्र को लिखता है, बी पर लिखता है और बी इस विपत्र को स्वीकार करता है, यानी कि ए विपत्र का लेखक ड्रॉवर है और बी विपत्र का स्वीकर्ता यानी ड्रॉवी है। ए के द्वारा लिखे गए विपत्र को बी स्वीकार करके वापस ए को लौटा देता है, और इस कंडीशन में जबकि ए बी को माल बेचेगा तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा बी डेबिट टू सेल बिंग गुड सोल टू बी और 800 से इसकी एंट्री करेगा। सेकेंड एंट्री, जबकि एक विपत्र वो बी पर लिखता है, बी उस विपत्र को स्वीकार करता है और स्वीकृत करके वापस ए को लौटा देता है, ऐसी कंडीशन में ए यानी कि लेखक अपनी पुस्तक में प्रविष्टि करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि हमने देखा कि जब एक विपत्र कोई स्वीकर्ता स्वीकार करके लेखक को वापस कर देता है तो हम पंजी प्रविष्टि करते हैं प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, तो यहाँ पर स्वीकर्ता कौन है, बी है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी और 800 से हम एंट्री करेंगे। आगे हम देखते हैं कि ए 850 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए सी को बिल का बेचान कर देता है। अब यहाँ पर तीसरा पक्षकार कौन आ जाता है, सी। यहाँ पर नए ये जो पक्षकार है दो कौन कौन से बन जाते हैं, ए जो कि विपत्र का लेखक था, अब क्योंकि वो विपत्र का बेचान भी कर रहा है यानी कि ए बन गया बेचान करता, और सी जिसे कि विपत्र का बेचान किया जा रहा है वो बन गया बेचान पात्र। तो अब जो कि सी को जब बेचान करेगा तो लेखक यानी कि ए की पुस्तक में प्रविष्टि की जाएगी बेचान पात्र डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, यानी कि सी यहाँ पर बेचान प्राप्त है तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन रोज टू सी और 800 से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो लेखक की पुस्तकों में हमने सारी एंट्री कर ली, अब हम स्वीकर्ता की पुस्तक में आ जाए। स्वीकर्ता की पुस्तक में हम आते हैं तो सबसे पहले तो वो माल खरीदता है ए से, तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ए, और जब वो विपत्र पर स्वीकृति दे के वापस ए को लौटाएगा, विपत्र पर स्वीकृति देने की एंट्री वो क्या करेगा, हमने देखा कि जब स्वीकर्ता विपत्र पर स्वीकृति देता है तो उसकी पुस्तकों में एंट्री होती है ड्रॉवर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट दे विपत्र खाता से, यानी कि यहाँ पर एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप में जबकि ये जो बिल है ये बेचान हो रहा है तो हम अगली एंट्री जो करेंगे वो बेचान पात्र यानी कि सी के बुक में करेंगे। बेचान करने की एंट्री हमने ए के बुक में कर ली, अब बेचान जिसको किया जा रहा है यानी बेचान पात्र के बुक में कौन सी एंट्री होगी, तो हमने देखा वीडियो में कि जब भी बेचान किया जाता है तो बेचान पात्र अपनी पुस्तक में एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एनरोलर्स पर्सनल अकाउंट, यानी यहां पर एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि सी बैंक से 775 रुपए के लिए बिल भुना लेता है, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी जबकि सी इस विपत्र पर राशि प्राप्त करेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और एक चीज हमको ध्यान में रखना है क्योंकि बैंक से वो उसे भुना रहा है बट्टे पे भुना रहा है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिल जो था वो 800 का था और बैंक से वो 775 रुपए 775 में भुना रहा है, यानी कि 25 रुपीज जो है डिस्काउंट है, ये हमको समझना है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम 775 से एंट्री करेंगे और डिस्काउंट डेबिट हम 25 रुपीज से करेंगे, टोटल 800 हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट में करेंगे। तो ये एंट्री हम यहाँ पर दो एंट्री करेंगे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि स्वीकर्ता की पुस्तक में हमको बिल के भुगतान की एंट्री भी करनी है, यानी कि लास्ट एंट्री जो स्वीकर्ता की पुस्तक में होगी वो होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। 1 अप्रैल 2006 को राजेश ने राकेश को 2000 रुपए का माल बेचा और उसी दिन उस राशि का 3 माह की अवधि का बिल राकेश पर लिखा। राकेश ने स्वीकृति देकर बिल राजेश को लौटा दिया। राजेश ने यह बिल लेनदार रहीम को बेचान कर दिया। निश्चित तिथि पर बिल का भुगतान कर दिया गया।
राजेश, राकेश और रहीम की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं राजेश और राकेश, और राजेश ने राकेश को माल बेचा है। इसका अर्थ यह है कि राजेश जो है विक्रेता है, और जो विक्रेता होता है वही लेखक होता है, क्योंकि वही विपत्र लिखता है। और स्वीकर्ता कौन है यहाँ पर? जो क्रेता होता है वो स्वीकर्ता होता है, यानी कि राकेश जो है वो स्वीकर्ता है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे इसमें प्रोसेस हो रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पर जनरल प्रविष्टि करते जाएंगे। सबसे पहले हम राजेश की बुक में एंट्री करेंगे। तो राजेश की पुस्तक में फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जबकि वो माल राकेश को बेचेगा। तो जब वो माल राकेश को बेचेगा तो अपनी बुक में एंट्री करेगा राकेश डेबिट टू सेल, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बिंग गुड सोल्ड टू राजेश। सेकेंड एंट्री जबकि राजेश विपत्र लिखता है और राकेश से वो स्वीकृति प्राप्त करके वापस विपत्र को प्राप्त कर लेता है, तो सेकेंड एंट्री अपनी बुक में करेगा, क्योंकि हमने वीडियो में देखा कि इस कंडीशन में जब एक लेखक जो होता है विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त करता है तो हम जनरल एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ एक्सेप्टर कौन है? राकेश है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राजेश ने जो बिल स्वीकृत करके प्राप्त किया था उसको वो अपने एक लेनदार रहीम को बेचान कर देता है। अब ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि तीसरा पक्षकार आ गया कौन? रहीम। रहीम जो है वो बेचान पात्र है, और बेचान करता कौन है? राजेश। लेखक जो है वो बेचान करता है, तो बेचान करने की एंट्री लेखक यानी कि राजेश अपनी पुस्तक में करता है। हमने देखा कि बेचान करने की एंट्री जो बेचान करता होता है वो अपनी बुक में करता है बेचान पात्र खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, इनरोजी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इनरोजी यानी कि बेचान पात्र कौन है यहाँ पर? रहीम है। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे रहीम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बिंग बिल ऑफ एक्सचेंज इनरोज टू रहीम। तो ये तीन एंट्री हो जाएगी राजेश की बुक में। अब स्वीकर्ता की पुस्तक में हम एंट्री करेंगे, तो स्वीकर्ता कौन है यहाँ पर? स्वीकर्ता है राकेश। अपनी बुक में वो एंट्री करेगा जब वो माल खरीदेगा राजेश से, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम राजेश। सेकेंड, जब वो विपत्र पर स्वीकृति देगा तो एंट्री करेगा राजेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और उसके बाद हम देख रहे हैं हम प्रोसेस ऐसे बना रहे हैं जैसा क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी स्वीकर्ता के यहाँ तीसरी एंट्री हम नहीं करेंगे, उसके पहले हम बेचान पात्र जो है रहीम जो है उसकी बुक में हम एंट्री करेंगे। तो रहीम जबकि बेचान उसको किया जाएगा विपत्र का, तो फर्स्ट एंट्री हमने देखा कि बेचान पात्र जो होता है जब उसको विपत्र का बेचान किया जाता है तो वो अपनी बुक में फर्स्ट एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनरोजर्स पर्सनल अकाउंट, यानी यहाँ पर एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, और जो भी इनरोज जो बिल था 2000 उससे इसकी हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे देख रहे हैं कि निश्चित तिथि पर बिल का भुगतान कर दिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में बिल का भुगतान करेगा कौन? जिसके जो विपत्र का स्वीकर्ता है राकेश ही बिल का भुगतान करेगा। तो राकेश अपनी पुस्तक में बिल के भुगतान की एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और भुगतान अब प्राप्त कौन कर रहा है? रहीम यानी बेचान पात्र जिसके पास बिल है जिसके पास विपत्र है वो ही प्राप्त करेगा। तो इस कंडीशन में जबकि वो विपत्र पर बेचान प्राप्त करेगा वो अपनी बुक में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बिंग अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिसीव। ए ने 1 जनवरी 2007 को 800 रुपए की एक स्वीकृति बी से प्राप्त की। इसका भुगतान बिल की तारीख से 2 माह बाद होना था। 8 जनवरी को ए ने इस बिल को सी को बेचान कर दिया। 12 जनवरी को सी ने यह बिल एम को अपने ऋण के भुगतान में दे दिया। देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। सभी पक्षों में जनरल की आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए।
यहाँ पर इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार है ए और बी, और ए जो है वो लेखक के विपत्र का बी से वो स्वीकृति प्राप्त करता है, यानी कि बी जो है वो स्वीकारता है। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले हम लेखक की पुस्तक में विपत्र के स्वीकृत होकर प्राप्त होने की एंट्री करेंगे, यानी फर्स्ट एंट्री जो लेखक यानी ड्रॉवर की बुक में होती है वो होती है, हमने देखा वीडियो में कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, प्राप्त विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से। तो यहाँ पर स्वीकर्ता कौन है? बी है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री ए की बुक में क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और अमाउंट हम 800 से इसकी एंट्री करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8 जनवरी को ए ने इस बिल को सी को बेचान कर दिया। अब यहाँ पर एक पक्षकार नया जुड़ गया, कौन? सी। सी हो गया हमारा एंड्रोजी यानी कि बेचान पात्र। बेचान की एंट्री ड्रॉवर जो है, लेखक जो है वो अपनी बुक में क्या करता है? हमने देखा वीडियो में कि बेचान पात्र डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से, यानी इंड्रोजिस पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पर इस कंडीशन में बेचान पात्र यानी कि इंड्रोजी जो है वो सी है, तो ए अपनी पुस्तक में प्रविष्टि करेगा सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब एक बात जो यहाँ पर आ जाती है कि इस कंडीशन में सी जो कि बेचान पात्र है वो कौन सी एंट्री करेगा? तो सी सबसे पहले बेचान होने की एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि हमने देखा कि जब बेचान पात्र बेचान होता है विपत्र का तो बेचान पात्र को अपनी पुस्तक में एंट्री करनी होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंड्रोजर्स पर्सनल अकाउंट। इंड्रोजर कौन है यहाँ पर? जो ड्रॉवर है, जो लेखक है, यानी कि ए। तो यहाँ सी यानी कि इंड्रोजी अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। अब एक पॉइंट आता है जिसमें 12 जनवरी को सी ने ये बिल एम को अपने ऋण के भुगतान में दे दिया, मतलब फिर से बेचान हो गया। अभी ये विपत्र किसके पास था? सी के पास था। सी इस विपत्र को एम को फिर से बेचान कर देता है। अब इस कंडीशन में बेचान कर्ता जो है, इंड्रोजर जो है वो सी हो जाता है, और बेचान पात्र जो है, इंड्रोजी जो है वो एम हो जाता है। इस कंडीशन में जब सी इंड्रोजर हो जाता है और वो अपने विपत्र का बेचान एम को करता है तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा एम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल इंड्रोज टू एम। और अब यहाँ पर नया बेचान पात्र जो है वो बन गया एम, तो एम क्योंकि इंड्रोजी बन गया और सी जो पहले इंड्रोजी था अब वो इंड्रोजर बन गया, तो M यानी कि इंड्रोजी अपनी बुक में पहले एंट्री करेगा विपत्र के बेचान की। कौन सी एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंड्रोजर, यानी यहाँ पे इंड्रोजर कौन है? सी। यानी यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी। और यहाँ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया, तो जब बिल का भुगतान होगा तो एक तो स्वीकर्ता की पुस्तक में तो एंट्री होगी ही बिल के भुगतान की, क्योंकि विपत्र किसी के भी पास पहुंच गया हो लेकिन पैसा तो स्वीकर्ता को देना ही है, तो स्वीकर्ता जो है बी जो है वो अपनी बुक में एंट्री करेगा ही। फर्स्ट एंट्री जो स्वीकर्ता की बुक में होगी वो विपत्र को स्वीकार करने की होगी, यानी कि ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और सेकेंड एंट्री जो होगी वो विपत्र पर भुगतान करने की होगी, यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बात यह है कि ये जो विपत्र का भुगतान है वो प्राप्त किसको होगा? तो घूम फिर कर ये विपत्र पहुंच गया है एम के पास, और अब एम ही विपत्र का धारक है, एम के पास ये विपत्र है और इस विपत्र को फाइनली इस विपत्र की राशि को एम ही प्राप्त करेगा। तो एम की पुस्तक में सेकेंड एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिसीव।